गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक विद आयरिश बाक रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप गुड होंगे और हेल्थ आपकी अच्छी होगी। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। उस वीडियो का नाम है दिल्ली टू एग्रा इन 15 मिनट्स ऑन हायाबुसा। इनके चैनल का नाम है टर्बो एक्सट्रीम और मेरा नाम है हसाम, और इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। इस वीडियो के बारे में काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि आप इस वीडियो पर रिएक्शन दें, तो काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर, क्योंकि इसमें काफ़ी मोटर बाइक्स हैं, तो मोटर बाइक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो भी मोटर बाइक के लवर्स हैं, आज हैं मेरे साथ मिल के ये वीडियो देखते हैं और इस पर रिएक्शन देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। $1,000 होए 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 होए, टर्बो एक्सट्रीम भाई इनके चैनल का नाम है। बाइक तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, वीडियो के बारे में, उनके प्रोफेशनल हैं जिनका एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज़्यादा है, तो डू नॉट ट्राई एट योर होम। टर्बो एक्सट्रीम तो रोड ट्रिप और यहाँ से चल रहे सीधा आगरा लखनऊ। नहीं, पहले आगरा जा रहे हैं भाई। राइडर्स आ गए भाई सारे, एंड कुछ स्पेशल इवेंट है, कुछ स्पेशल चीजों के लिए जा रहे हैं हम, एंड लेट्स सी कौन कौन क्या क्या करने वाला है। तो बाइक से यहाँ पे ZX 10R, यामा R1, BMW S1000RR, BMW भी है, RR और अपनी वायरल। सो आगरा इज 185 किलोमीटर। तो सबसे पहले अपन स्टॉप लेंगे जेवर का, अपनी बैकअप कार आ चुकी है एंड वी आर मूविंग। तो भाई ये अपन बिल्कुल रेडी, और ये आ गई 10RR। एक बार आवाज सुनी लो, क्या साउंड है यार, ओहो जबरदस्त। कान खत्म है मेरे, चलो लेट गो। तो टाइम टू राइड। 1 2 3 4 5 बाइकर्स, एक कार, पांच बाइकर्स और एक कार। कार मेरे ख्याल उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखी है शायद। लेट्स गेट स्टार्ट। 1 2 3 लो जी, स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया। यार सेफ्टी इज फर्स्ट, सबने जीन्स पहनी है, किसी ने भी वो मोटर बाइक सूट नहीं पहना हुआ, बस जैकेट्स पहनी हुई है। और ठीक है उनका एक्सपीरियंस है 20 साल का, मगर यार फिर भी सेफ्टी तो फर्स्ट होनी चाहिए भाई। वो मुझे कहेंगे भाई तू कौन होता है, वो शौक की बात है ना यार, शौक शौक की बात है सारी, जान भी जाती है तो जाए। शौक पूरा होना चाहिए। वो देखो शुरू करके जा रही है, देखो यार कैसी हवा को चीरती हुई जा रही है। तो स्पीड भी नजर नहीं आ रही, स्पीड कितनी है, 200 से ऊपर है ये कम से कम। हाँ 200 से ऊपर ही लग रही है मुझे, 200 से। तो ये लगा दिया अपन ने 300। ओए 300 क्रॉस कर गया। तो हाईवे पे चल। ओए होए होए, हाईवे पे 300 की स्पीड है मेरे भाई। काफी स्पीड में। यार ध्यान से, ध्यान से। क्योंकि हवा में अगर आप zigzag थोड़ा करते हैं तो आपका थोड़ा सा बैलेंस आउट हो तो अल्लाह ना करे आप, होपफुली कि ये सब सेफ होंगे, क्योंकि वीडियो वो रिक्वेस्ट बड़ी आई थी इसके बारे में। देखो यार स्पीड चेक करो कितनी स्पीड है। ओहो ओहो भाई, क्या इंट्रो मारा बीच में। सारे बाइकर्स छाए हुए हैं यार रोड पे। थाउजेंड आर आर चला रहे हैं अतुल।
1000 RR। ओए होए 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 होए, वो गाड़ियों वाले भी आजू बाजू देख रहे होंगे ये कौन से लोडे जा रहे हैं जो हवा को चीरते हुए जा रहे हैं, चीरते हुए ऐसे। ऑसम गाइस, ऑसम। 15 मिनट में दिल्ली टू आगरा पहुंच जाएंगे। है भूसा ZX10R टर्बो एक्सट्रीम भाई, छा गया टर्बो एक्सट्रीम। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आप देख सकते हैं मेरी कैसी कैसी साउंड्स निकल रही हैं अंदर से। ओए होए, तो सारे राइडर्स में से पीछे रह गए, मैं काफी तेज खींच रहा हूं आ गया, बट काफी स्पीड में आ रहे हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बैक टू बैक ही चल रहे हैं सारे। अच्छा, तो इसकी मेरी जैकेट पीछे से उड़ रही है तो मैं थोड़ा सा गियर अप कर लिया, ये मैंने गियर ड्रॉप किया। ओहो, ओए 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 ओए, ओ तेरी खैर हो जाए। ओ यार चेक करो कितनी स्पीड से जा रहा है, अबे अगला तो नजर भी नहीं आ रहा कहां पे है। ओ यार, ओ इतनी स्पीड। ओ माय गॉड, वो गाड़ियों वाले भी हैं वो भी साइडों पे देख रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। वो देखो वो भी कितनी स्पीड से निकल गया। तो अगर ऐसा ही चला तो मेरे को लगता है कि पूरा फ्यूल हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। ओ यार मुझे तो डर लग रहा है लिटरली। ना करो यार ऐसे, क्यों मेरा दिल बाहर निकालना तुम लोगों ने। और इन बाइक्स के लिए आप रोड चेक करें कैसे कारपेट रोड बिछे हुए हैं, अगर कारपेट रोड ना हो तो ऐसी बाइक्स बहुत मुश्किल से चलती है, और खतरा भी होता है कि स्पीड में अगर खुदा ना हास्ता गिर ना जाए कोई। ओए होए होए होए, मान गए यार टर्बो एक्सट्रीम तुझे। ओए होए होए, मेरा रेस्ट करने का इरादा हार्ड शोल्डर में, हाँ हार्ड शोल्डर है शायद। ओह माय गॉड, ओए होए होए होए, पहुंच गए जेवर। 71 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ टोटल राइड पे, 758 टाइम। एंड भाई ओए होए होए होए, ओए होए होए यार सीरियसली, मतलब नेक्स्ट लेवल राइड हो गई ये तो यार। मजा आ गया तुझे मेरी जान निकल गई यहाँ पे। ओए होए होए, मैं तो बड़ा डर गया था गाइस, मजा सा आ गया यार। थक गए पर थक गए, अभी भी थक गए, हाफ गया मैं तो। R1M S1000 RR अतुल भाई। तो अब फ्यूल अप कराएंगे यहाँ से, पेट्रोल पंप से निकल गए हैं, पेट्रोल पंप ये रहा, पेट्रोल डलवा लिया मैंने फुल, तो 570 रुपए का डला है 72 किलोमीटर पे, तो 72 किलोमीटर चलिए भाई, और 570 रुपए का पेट्रोल डल चुका है इसमें दोबारा, मतलब 570 रुपए में 72 किलोमीटर चलिए, 72 किलोमीटर, तो आइडिया लगा लो कितनी देर लगी। 8:18, काफी देर हो गई थी यहाँ पे खड़े हुए। एंड लेट्स रोल। ओ रोल हो गए भाई साहब, फिर से रोल हो गए, पेट्रोल फिल करवा लिया, अब देखेंगे टंकी कब एम्प्टी होती है। ओए होए 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 होए, ओए यार ये तो जहाज की तरह ज्यादा चीरता हुआ हवा को। अभी दो, एक आगे है और एक ये टर्बो एक्सट्रीम, पीछे पता नहीं कितने हैं लड़के, क्योंकि उनकी वीडियो नहीं दिखा रहे ना, क्योंकि ये चैनल भाई का, ये टर्बो एक्सट्रीम का। तो देखो अब क्या
ये मिल गया भाई साहब, क्या हो गया? अच्छा लाइट चल रही है, मैं क्या शायद ये वार्निंग लाइट होती है ना, ये चलाते हैं पीछे जो चल रही है, वो निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया है। वो गाड़ी वाले ने कोशिश किया है कि मतलब वो स्पीड मारे जरा। ओए यार, मैं कहता हूँ तुम लोगों को ऑस्कर मिलना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए तुम लोगों को। अरे वैसे मेरे साथ चोट हो चुकी है कि मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, मेरा पैन कार्ड एंड मेरा आधार कार्ड, ये सारे गुम हो चुके हैं। कोई भी चीज़ उस टाइम मेरे पास में नहीं है एंड मेरे पास उनकी कोई डिटेल भी नहीं है, तो ब्लॉक भी नहीं करा सकते। तो वैसे भी मैं सोचूंगा जहाँ पे जब रुक जाएंगे कि ब्लॉक कैसे कराना है। 8:50 एंड सेकेंड टॉल हमने क्रॉस कर लिया है। ओए सेकंड टॉल क्रॉस कर ली है और भाई का वॉलेट गुम गया है। अपनी ऑडियंस के चक्करों में, सब अपनी यूटी फैमिली के चक्करों में भाई का पर्स गुम गया। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। दूसरी बाइक छोड़ दी, वो आगे निकल गया। ओ यार कमाल हो गया भाई। टर्बो वाकई जबरदस्त बाइक है यार, टर्बो की। और ये भाई की बाइक, मैं नाम भूल गया, शायद इनके पास वो थी बीएमडब्ल्यू, शायद टर्बो एक्सट्रीम तो चैनल का नाम है इनकी। गाइस इनकी बाइक का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कहाँ पे स्टे कर लिया? हम 50 किलोमीटर आए हैं 17 मिनट में। सत्रह मिनट में 50 किलोमीटर आ गए और ये फिर से दोबारा से उड़ान भरी है। एक्चुअली लीड मैं नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ओके, हमें एक्सप्रेसवे पे ऊपर चढ़ना है लखनऊ आगरा वाले। लखनऊ की तरफ जा रहे हैं आगरा वाली साइड में। यार रोड कितने बढ़िया हैं यार, ऑसम गाइस ऑसम, क्या ब्यूटीफुल मंजर है यार। अच्छा, ओए, क्या बात है यार, रोड चेक करो गाइस कितना खूबसूरत रोड है यार, इतनी डेवलपमेंट। ओ माय गॉड, इंप्रेस हो गया हूँ यार मैं तो। प्लांटेशन देखो कैसी जबरदस्त की हुई है, और रोड ऐसे तो कारपेट रोड यहाँ पे नहीं है गाइस, वो भी ऐसे रोड आप देख सकते हैं, मतलब M50 पे देख लेंगे, N1 पे N2 पे देख लेंगे इस तरह। ये देखो कैसे जबरदस्त रोड है, कैसे ही जबरदस्त कारपेट रोड। खूबसूरती चेक करो कितनी जबरदस्त खूबसूरती है। ओ एंड ना करो यार, हमें लेके जाओ आगे। मतलब
जब तक 250 तक थे तब तक डेफिनेटली 10 R1 आगे निकल रही थी, पर 250 के बाद ये में भी रूल करती है, मतलब 250 के बाद इतना मुश्किल है एक लीडर क्लास बाइक को इसको टक्कर देना, मतलब तो प्रैक्टिकली कुछ कर ही पाते। एंड इवन शुरू में 0-60 या 0-70 या 0-100 भी मान लो, उसमें भी एक बार आगे निकल जाती है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, दूसरी बाइक स्पिली कर रही होती है, वो हवा विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद आवाज़ सही ना आ रही हो। इसी नोट पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, कैमरा चल रहा है चेक कर लिया मैंने। गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, चैनल लाइक करें यार, चैनल लाइक करें इस भाई का, थैंक्स गाइस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। यार मैं तो समझ रहा था कि दिल्ली टू आगरा ये 15 मिनट में पहुंचेंगे विदाउट एनी स्टे, मुझे क्योंकि उसका डिस्टेंस तो पता नहीं था कितना डिस्टेंस है, मगर जैसे बाइक चलाइए प्रोफेशनल है सारे। सबसे पहले तो जितने भी ये व्यूवर्स देखने वाले हैं, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, छोटी सी क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट ही किया है, तो होपफुली आप अपना प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट है, मैंने देखा ये भाई ठीक है प्रोफेशनल है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, जैकेट इन्होंने पहनी हुई है, मगर इन्होंने ट्राउज़र पूरा मोटरबाइक सूट नहीं पहना हुआ है भाई। खुदा ना हास्ता, खुदा ना हास्ता अगर इनमें से कोई गिर जाए, ठीक है ये प्रोफेशनल है, बुरा वक्त तो किसी भी टाइम आ सकता है, तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले, ठीक है हेलमेट वगैरह पहनाओ मगर नीचे ट्राउज़र नहीं है गाइस, तो सेफ्टी फर्स्ट है सबसे पहले। जैकेट इन्होंने पहनी हुई है, मोटरबाइक जैकेट पहनी हुई है मगर ट्राउज़र नहीं पहना हुआ, शूज़ भी वैसे मोटरबाइक वाले शूज़ वो भी मैंने देखे नहीं है कि भाइयों ने पहने हो। तो आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, मैं समझ था कि 15 मिनट में ये पहुंच जाएंगे, 15 मिनट में तो यार बीच में काफ़ी सारे स्टे किए इन्होंने, ऑब्वियसली वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, फिलिंग भी करानी है, फिलिंग वगैरह पेट्रोल स्टेशन पे। और दूसरी भाई देखे उसने अपने व्यूअर की यूट्यूब फैमिली के चक्करों में वॉलेट घूम गया सारा ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो। तो गाइस इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंस्टा को भी फॉलो करें, तो हर कोई ये फॉलो ना करे क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं तो आप नहीं ये कर सकते। जैसे दूसरे भी स्टंट करने वाले हैं तो वो भी वो कहते हैं कि ये प्रोफेशनल स्टंट्स किया है, इवन के जो मूवीज़ में स्टंट्स करते हैं। तो दूसरा ये कि उसके बाद रोड्स मैंने देखे, इतने कॉर्पोरेट रोड यार, इतने ब्यूटीफुल रोड, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि इतना पैसा लगाया इंडिया ने इस मामले में भी रोड्स के ऊपर। यहाँ पे तो यहाँ पे भी रोड्स हैं मगर इतने घटिया रोड हैं, मैं आपको क्या बताऊँ आयरलैंड के अंदर। तो काफ़ी ये नहीं कि सारे रोड इस तरह के, अच्छे रोड्स भी हैं बहुत सारे, मगर ये जो सिटी के अंदर हैं ये तो घटिया रोड हैं इनके। और आप देखो कितने ही ज़बरदस्त रोड उन्होंने, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, और जैसे स्पीडों की तरफ मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली मेरा दिल मुंह में आ गया था, जैसे वो उसने एकदम स्पीड दी ना पकड़ने के लिए, जैसे वो रोड पर गाड़ी मूवी बना रही थी, उसने भी रेस दी चलो मैं इनको यार इसको फॉलो करूँ, उसने एक ही दफ़ा उसने शूटर मारा साथ ही, वो निकल गया आगे, हवा को चीरता हुआ फाड़ता हुआ निकल गया आगे। तो होपफुली गाइस आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद, अगर मेरा रिएक्शन पसंद, अगर मेरा आपको रिएक्शन ये पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।